देख लीजिए दोस्तों, हालांकि इसको मारना नहीं चाहिए, देखिए मेरे हाथ को कैसे काट रहा है। इसमें किसी तरह का विष नहीं पाया जाता है। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, आज नए वर्ष की अवसर पर हम आए हैं एक कॉमन वुल्फ स्नेक को रिलीज करने। इसका रेस्क्यू हुआ था और आए हम इसको जंगल में रिलीज करने। तो चलिए दोस्तों, फटाफट के अंदाज में इसको रिलीज करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है कॉमन वुल्फ स्नेक। देखिए दोस्तों, वाह कैसे मेरे हाथ को दोस्तों ये काट रहा है और मेरे उंगली को भी ये पकड़ रहा है। तो दोस्तों ये है कॉमन वुल्फ स्नेक, साखर सांप इसे कहते हैं हिंदी में। और दोस्तों अपने बिहार में इसे जहरीला कहा जाता है, बिहार का एक करैत सांप है, इसे बिहार में करैत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको मालूम है कि करैत सांप जहरीला होता है और इस सांप को भी लोग जहरीला समझकर मार ही देते हैं। हालांकि दोस्तों ये बहुत जहरीला होता है। नहीं दोस्तों, ये जहरीला नहीं होता है, ये बिना जहर वाला स्नेक होता है, यानी कि नॉन वेनमस होता है। इसमें किसी तरह का विष नहीं पाया जाता है, वेनम नहीं पाया जाता है, लेकिन दोस्तों लोग शिक्षा के अभाव में इसे मार देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हालांकि इसको मारना नहीं चाहिए, देखिए मेरे हाथ को कैसे काट रहा है और यहाँ पर अपना दांत को भी चुभा दिया। तो दोस्तों इसको ये नहीं मालूम है कि कौन मारने वाला है और कौन बचाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो हाइबरनेशन चल रहा है, यानी कि शीत निष्क्रियता। जितने भी सांप हैं वो धीरे धीरे छिपेंगे और जो सुराग में है वो सुराग में ही छिपे रहेंगे और जो बाहर दिख रहे हैं वो तुरंत छिपने का प्रयास करेंगे। और ये छिपने के लिए इंसानी बस्ती में भी चले जाते हैं और आसपास कहीं पर कचरा फैला रहता है, ईंट रखा गया है, लकड़ी रखा गया, उसमें जाकर ये छिप जाते हैं। दोस्तों इसका जो मैन फूड होता है वो चूहा और छोटे चूहा और छिपकली के बच्चे और छिपकली को ये खाता है। इसका दोस्तों मैन फूड छिपकली और चूहा ही होता है। दोस्तों ये दीवारों पर चढ़ने में माहिर होता है, दीवार पर बहुत आसानी से चढ़ जाता है। देखिए दोस्तों कितना ये प्यारा स्नेक है, देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए अभी हाइबरनेशन चल रहा है, यानी कि शीत निष्क्रियता, और जितने भी सांप है इन लोग का ब्लड होता है ठंडा, इन लोग का कोल्ड ब्लड होता है। और ठंडी के कुप्रभाव से बचने के लिए ये इंसान के घरों में और जो भी चूहा या लकड़ी या ईंटा कहीं पर भी रखा रहता है वहाँ पर जाकर ये छिपते हैं। तो दोस्तों ये पुराने दीवारों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि पुराने दीवारों में छोटे छोटे चूहे के बच्चे रहते हैं और हाउस लिजार्ड रहती हैं जिसको खाने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों अगर ये सांप काट लेता है तो बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि इसमें किसी तरह का वेनम्स नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगर आपके घरों में ये सांप दिखे भी तो इसे मारे नहीं, क्योंकि ये नॉन वेनमस है, इसे बचाने में हमारा साथ दे। अगर कहीं भी सर्पदंश होता है तो डायरेक्ट आप जो जिले का अस्पताल होता है वहाँ पर जाएं, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बिना कुछ देरी के इसे हम आए हैं जंगल में रिलीज करने, इसको रिलीज कर देते हैं। सांप चला गया और इसे रिलीज कर दिया गया। दोस्तों और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपसे इस नए साल में फिर किसी दूसरे वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।